हाय गाइस, मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के वीडियो नंबर 34 में। गाइस, ये वही सेंटेंस है जो हम एक दूसरे के साथ रोज आम बोलचाल के जिंदगी में बोलते हैं, वेरी यूजफुल और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए और बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, जो आपने सीखा है उसका कोई फायदा नहीं है। और गाइस, इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will not talk to you. From today onwards, I will not talk to you. कुल मिलाकर हमें उससे 500 रुपया देना पड़ेगा। All in all, I have to pay him rupees 500. All in all, I have to pay him rupees 500. भूत भूत कुछ नहीं होता है। Ghost and all do not exist anything. Ghost and all do not exist anything. वो जरूर 18 साल से ऊपर होगा। He must be over 18 years old. He must be over 18 years old. या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, He must be over 18 years. He must be over 18 years. वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। He is trying to dominate me. He is trying to dominate me. ऐसे सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। No question arise to think so. No question arise to think so. तुम्हारे बिना तो मेरा दिल नहीं लगता। आई कैन नॉट फील माई हार्ट विदाउट यू। आई कैन नॉट फील माई हार्ट विदाउट यू। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, माई हार्ट लोनसम विदाउट यू। माई हार्ट लोनसम विदाउट यू। सच हमेशा कड़वा होती है। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव लेट हिम गो। वी शुड नॉट हैव लेट हिम गो। ये हुई ना बात। दैट्स द वे। दैट्स द वे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं बर्बाद हो गया। एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई हैव बीन रुइंड। एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई हैव बीन रुइंड। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सिंस वेन यू एंटर इन माई लाइफ आई हैव बीन रुइंड। सिंस वेन यू एंटर इन माई लाइफ आई हैव बीन रुइंड। उसने मेरे बोलने का गलत मतलब निकाल लिया। ही मिस इंटरप्रिटेड वॉट आई सेड। ही मिस इंटरप्रिटेड वॉट आई सेड। तुम तब तक कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं ना कहूँ। यू विल नॉट से एनी थिंग अनलेस एंड अनटिल आई से। यू विल नॉट से एनी थिंग अनलेस एंड अनटिल आई से। मैं भगवान के पास क्या मुँह लेकर जाऊँगा। विदाउट फेस आई शैल अप्रोच गॉड। विदाउट फेस आई शैल अप्रोच गॉड। ये तो होना ही था। इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन। वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज ऑलवेज। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज ऑलवेज। गाइस, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और यहाँ पर हमने हमेशा के लिए यूज़ किया है, इसलिए हमने एज ऑलवेज और एज यूजुअल का यूज़ किया है। ये इंटरचेंजेबल है, आप दोनों में से कोई भी एक का यूज़ कर सकते हैं। मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी। आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी। चप्पा चप्पा छान मारो। सर्च एवरी नुक एंड कॉर्नर। सर्च एवरी नुक एंड कॉर्नर। उसे उसके नाम से बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता। He does not like being called by his name. He does not like being called by his name. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो धोखेबाजी पर उतर जाएगा। I never think that he will stoop to cheating. I never think that he will stoop to cheating. मैं राहुल को उतना ही अच्छे से जानता हूँ जितना कि तुम्हें। I know Rahul as much as I know you. I know Rahul as much as I know you. उसने मुझे आखिरी वक्त में दबा दिया।
या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, उसने मुझे अंतिम घड़ी में दबा दिया। ही गेव मी मेडिसिन एट द लास्ट मोमेंट। ही गेव मी मेडिसिन एट द लास्ट मोमेंट। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही गेव मी मेडिसिन एट द 11th आवर। ही गेव मी मेडिसिन एट द 11th आवर। ये हुई ना बात, दैट्स द वे, दैट्स द वे। वो बहुत सारे समस्याओं से घिरा हुआ है। सी इज बीसेट विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सी इज बीसेट विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो देखते का देखता रह गया। ही रिमेंड वॉचिंग। ही रिमेंड वॉचिंग। शर्माओ मत, डोंट फील साई, डोंट फील साई। पुलिस की मिली भगत से उसने ये गैरकानूनी काम को किया। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, पुलिस की मिली भगत से उसने ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। ही हैज़ डन दिस इलीगल वर्क इन कॉलिशन विद पुलिस। ही हैज़ डन दिस इलीगल वर्क इन कॉलिशन विद पुलिस। ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी घमंड है। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। हम तीन भाई बहन हैं। वी आर थ्री सिबलिंग्स। वी आर थ्री सिबलिंग्स। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, वी ब्रदर एंड सिस्टर आर नंबर इन थ्री। वी ब्रदर एंड सिस्टर आर नंबर इन थ्री। ऐसे करो, डू सो, डू सो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। मेरे पर परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी मैंने उसे रुपया उधार दिया। आई लेंड हिम मनी नॉट विद स्टैंडिंग माई सरकमटेंस गॉट वर्स। आई लेंड हिम मनी नॉट विद स्टैंडिंग माई सरकमटेंस गॉट वर्स। वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग मच बेटर। ही इज फीलिंग मच बेटर। वो दूर का रिश्तेदार है मेरा। ही इज अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ माइन। ही इज अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ माइन। प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक लव। देयर इज नथिंग लाइक लव। इतना समय क्यों ले रहे हो। व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। तुम्हें कुछ कहना बेकार ही है। इट्स यूजलेस टू टेल यू एनीथिंग। इट्स यूजलेस टू टेल यू एनीथिंग। करो या ना करो मेरा क्या जाता है। डू आर डोंट वॉट आई लूज। डू आर डोंट वॉट आई लूज। उसे पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइज टू बीट हिम। नो क्वेश्चन अराइज टू बीट हिम। क्या चल रहा है आजकल। वॉट इज गोइंग ऑन नावाडेज। What is going on nowadays? चाय ठंडी हो जाएगी। The tea will get cold. The tea will get cold. अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। Now it's not time to sit on your hands. Now it's not time to sit on your hands. कुल मिलाकर सब कुछ ठीक था। All in all, everything was all right. All in all, everything was all right. तुम्हारा ये अभिनय जोखिम से भरा हुआ था। योर दिस एक्टिंग इज फ्रॉड विद रिस्क। योर दिस एक्टिंग इज फ्रॉड विद रिस्क। क्या चाय चलेगी। विल टी डू। विल टी डू। आपने खुद मुसीबत को दावत दिया है। यू हैव लुक्ड फॉर ट्रबल योर सेल्फ। यू हैव लुक्ड फॉर ट्रबल योर सेल्फ। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, You have looked for reconnecter yourself. You have looked for reconnecter yourself. ये क्या ढंग है बात बोलने का। What is this way to speak? What is this way to speak? वो एक व्यापारी हुआ करता था। He used to be a businessman. He used to be a businessman. कम से कम वो मुझे फ़ोन तो कर सकती थी। At least she could call me. At least she could call me. तो क्या करूँ। So what to do? So what to do? या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, Then what to do? Then what to do? इसमें हंसने वाली क्या बात है। What is there to laugh?
व्हाट इज देयर टू लव। कल रात पार्टी में मुझे थोड़ा चढ़ गया था। आई गॉट अ लिटिल टिप्सी एट द पार्टी लास्ट नाइट। आई गॉट अ लिटिल टिप्सी एट द पार्टी लास्ट नाइट। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कल तक नहीं आएंगे। इफ दिस कंटिन्यूज वी विल नॉट कम टिल टुमारो। इफ दिस कंटिन्यूज वी विल नॉट कम टिल टुमारो। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। मैं आज ही इस मोबाइल को खरीद लूँगा। आई विल बाय दिस मोबाइल टुडे इटसेल्फ। आई विल बाय दिस मोबाइल टुडे इटसेल्फ। इसमें सोचने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट। व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट। थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा। द डॉक्टर विल कम इन अ वाइल। द डॉक्टर विल कम इन अ वाइल। क्या खाना बनेगा आज। व्हाट फूड विल बी कुक्ड टुडे। व्हाट फूड विल बी कुक्ड टुडे। जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। One who wants to eat can eat. One who wants to eat can eat. ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट लेगा। At the most he will take 10 minutes. At the most he will take 10 minutes. मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। I can't marry you even if I want to. I can't marry you even if I want to. वो लड़का हमेशा से गलत था। दैट बॉय वॉज रॉन्ग ऑल अलोन। दैट बॉय वॉज रॉन्ग ऑल अलोन।